क्या होता है, हिप्नोथेरेपी क्या होती है, और जो स्टूडेंट साइकोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है, और पब्लिक के लिए हिप्नोथेरेपी से क्या फायदे होते हैं, कि सीता जी सती थी तो कौन उनकी इच्छा के बिना उनको छू सकता था, सती को तो कोई भी नहीं छू सकता उसकी इच्छा के बिना, पहला क्वेश्चन। दूसरा, रावण खुद भी शापित था, उसको शाप मिला हुआ था कि वो किसी भी स्त्री की इच्छा के बिना किसी को हाथ नहीं लगा सकता। अब रावण उनको हाथ नहीं लगा सकता तो वो ले कैसे गया उनको। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अवर ब्रेन अवर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिप्नोसिस की। बड़ा खतरनाक सा नाम लगता है बट इतना खतरनाक है नहीं। हिप्नोसिस क्या होता है, हिप्नोथेरेपी क्या होती है, और जो स्टूडेंट साइकोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है, और पब्लिक के लिए हिप्नोथेरेपी से क्या फायदे होते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं ये वीडियो ये समझने के लिए कि हिप्नोसिस है क्या। तो इसमें हम तीन चीजें हम चेक करेंगे। एक, हिप्नोसिस क्या है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये थेरेपी क्यों जरूरी है, किसने डेवलप की तो क्यों डेवलप की, और तीसरा, कैसे किस कितनी तरह की हिप्नोसिस होती है जो हमें बेनिफिट उनसे उठाना है, किस स्टेज में कौन सी हिप्नोसिस कौन से मेथड से, तो कितने टाइप की हिप्नोसिस है जिससे हम अपनी लाइफ को के अंदर बेनिफिट उठा सकते हैं, उसमें अच्छा फील कर सकते हैं, माइंड की थॉट्स को ठीक कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज हिप्नोसिस की। और दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा तो मैं आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा जो इसका बेस सिद्धांत है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको इस समझने में आसानी रहेगी, आपके जो मिथ हैं वो एकदम दूर हो जाएंगे उस एग्जाम्पल को सुनने के बाद। तो हम जर्नी शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इस जर्नी को हम इकट्ठे चलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज हिप्नोसिस, हिप्नोसिस है क्या, तो हिप्नोसिस है क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? हिप्नोसिस का मतलब किसी को सम्मोहित करना, हिंदी में ऐसा बोला जाता है, सम्मोहन। तो लोग सोचते हैं अरे बाबा बहुत खतरनाक चीज है, इससे तो क्या होता है, बेहोश हो जाता है, ये जादू तंत्र है, टोना है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ये जादू है ना तंत्र है ना टोना है, ये एक तरह की थेरेपी है। और ये क्या करती है, ये बहुत ही बढ़िया ढंग से आपकी थॉट प्रोसेस को करेक्ट कर देती है और आपकी थॉट जो है वो राइट डायरेक्शन में चलने लगती है। तो इस वहम से हम बिल्कुल बाहर आ जाए, आपके बहुत सारे मिथ होंगे, जैसे जैसे ये वीडियो आगे जाएगा वो सारे मिथ दूर हो जाएंगे। तो अब आपको समझ आ गया कि हिप्नोसिस क्या है। हिप्नोसिस नथिंग, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ना जादू है ना तंत्र है ना टोना है ना टोटका है, इट इज अ प्योर प्योर साइंस, जिससे क्या होता है आपके थॉट ठीक हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, आपकी जो माइंड के अंदर कमियां हैं वो करेक्ट हो जाती है। और ये हमें क्यों रिक्वायर्ड है उस पे अब हम चलते हैं सेकंड फेज पे, कि हमें चाहिए क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी, हमारे जो माइंड है उसको हमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है, ज्यादा डीप जाने के लिए थोड़ा समझने की जरूरत है। माइंड में जो भी हम याद करते हैं वो हम कैसे याद करते हैं, माइंड में हम जो याद करते हैं वो न्यूरॉन के थ्रू याद करते हैं। एक न्यूरॉन की कैपेसिटी कितनी है, जैसे आपकी हार्ड ड्राइव होती है ना कंप्यूटर की 500 GB 1 TB, और आपको मालूम है अगर 5 TB की हार्ड ड्राइव हो उसको भरने में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, राइट? आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसे भरने में। तो हमें पता होना चाहिए एक न्यूरॉन की क्या कैपेसिटी है। एक न्यूरॉन की कैपेसिटी होती है 1 मिलियन मेगाबाइट। मेगाबाइट बहुत बड़ी स्केल है, कंप्यूटर के जो लोग हैं वो जानते होंगे, और जो लोग हार्ड ड्राइव वगैरह यूज करते हैं यंग जनरेशन तो सबको मालूम है 1 मिलियन मेगाबाइट। और ऐसे कितने न्यूरॉन है हमारे दिमाग में, 86 बिलियन, 1 बिलियन 100 करोड़ का। तो कितना बड़ा ब्रेन है आपका, राइट? अब वो इतना बड़ा ब्रेन है और उसमें हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लगभग 60-70% है। अगर हम 60% माइंड जो सबकॉन्शियस है वो काम करता है इसी न्यूरॉन के साथ, अब हम आते हैं हमें कैसे
पता चलेगा। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आपका मान लो एक बड़ा सा घर है, 10,000 square feet का एक घर है, बहुत कमरे हैं। अगर आपने उस सारे कमरों की रोज सफाई नहीं की, आपने रोज उन कमरों को ठीक ठाक नहीं किया, तो वहां क्या कॉकरोच हो जाएंगे, लिजर्ड हो जाएंगे, छिपकलियां, माउस हो जाएंगे, चूहे हो जाएंगे ना, परेशान हो। दूसरा, आपने बहुत सारा सामान लिया, भाई ये सामान है आपने यूज नहीं करते हैं, बट आपने डंप कर दिया उसमें, क्योंकि आपके पास तो स्पेस बहुत है और कभी यूज ही नहीं कर रहे 2-5 साल तक, तो भी उसमें सेम कॉकरोच हो जाएंगे, छिपकलियां हो जाएंगे, लिजर्ड बहुत सारे हो जाएंगे और माउस हो जाएंगे। ये सब कॉमन चीजें हैं जो हमें मालूम है। अब आपको उसकी सफाई करनी पड़ेगी अगर उनको हटाना है वहां से, और अगर हमें उसकी सफाई करनी है, उनको वहां से हटाना है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होगा। वैसे ही माइंड की कैपेसिटी इतनी बड़ी है, जब आप बहुत सारी थॉट्स उसमें डाल देते हो जो यूजलेस होती है, या बार बार थॉट्स को चेंज करते रहते हो जो नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, तो उनको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर प्रोसेस चाहिए। बहुत सारे प्रोसेस हैं उसके, जिनमें से एक हिप्नोथेरेपी भी है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है जिससे आप ये क्योर कर सकते हो। तो आपको मालूम होगा इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, क्यों आ गई, क्यों हमने इसको यूज करना है, ये आपको समझ आ गया होगा कि हमारे को इसकी रिक्वायरमेंट किस लिए आ गई। तो अब हम बड़े क्लियर हैं कि हिप्नोथेरेपी क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यहां तक हम क्लियर हो गए, अब धीरे धीरे हम आगे चलते हैं कितनी तरह का होता है। सो पहला हिप्नोसिस होता है इंस्टेंट हिप्नोसिस। इंस्टेंट हिप्नोसिस जस्ट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है, और इसमें हमें लगता है कि हम हिप्नोटाइज हुए, हम हिप्नोटाइज होते नहीं है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, ये माइंड के ऊपर मेरे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, और मैं अपनी थेरेपीज में जो लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको बताता हूँ कॉन्शियस माइंड को कैसे स्ट्रांग करना है। तो जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, जब ज्यादा वीक होगा तो हम इंस्टेंट हिप्नोथेरेपी के अंदर आ जाते हैं तुरंत। और ऐसे ही आपने बहुत सारे वाक्य भी सुनेंगे, मैं गया था एटीएम पे, उसने पता नहीं क्या किया, मैंने पैसे उसको दे दिए, या कोई लेडीज है उसने गोल्ड उतार के दे दिया, और बाद में क्या कहते हैं, हमें कुछ कर दिया था, उसने नहीं किया था, आपका कॉन्शियस माइंड कमजोर था, इस वजह से सब हो गया। तो ये इंस्टेंट हिप्नोथेरेपी है और वो इंस्टेंट ही गायब हो जाता है। तो आपको क्या क्या नहीं करना है इससे बचने के लिए, ये आज आप लिख लीजिए। 3 चीजें मैं आज आपको रामबाण बता रहा हूं। पहला, अवॉइड करिए अगर आपका कॉन्शियस माइंड कमजोर है। अच्छा, कॉन्शियस माइंड कमजोर है इसके ऊपर वीडियो है, आप देख सकते हैं पूरा, लेकिन एक नॉर्मल तरीका बता देता हूं। अगर आपको बार बार ऐसा लगता है, कोई आदमी बीमार है, आपको उसको देख के लगता है अरे यार ये बीमारी मुझे तो नहीं हो जाएगी, तो कॉन्शियस माइंड कमजोर है। आपको फियर लगता है, तो कॉन्शियस माइंड कमजोर है। थोड़ा बहुत फियर सबको लगता है, ज्यादा फोबिया लगता है। तो ये थोड़े थोड़े सिम्टम है जिससे आप समझ जाए। तो अगर आपका कॉन्शियस माइंड कमजोर है, तो आपको कभी भी अननोन आदमी, जो ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनके आईज कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको उनके साथ कंटिन्यूअस कोई म्यूजिक है, साउंड है, वो नहीं करना चाहिए। ये इंस्टेंट हिप्नोथेरेपी करने के तरीके हैं, जैसे आप चुटकी समझ रहे हैं बज रही है, ऐसा वो कुछ करेगा, कंटिन्यूअस म्यूजिक देगा, वो नहीं करना चाहिए। तीसरा, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको डर लगता हो, मान लो आपको सांप को देख के डर लगता है, उसके गले में अजगर डाला हुआ है, उसने बिल्कुल 10 फीट दूर हो जाएगी उससे, नहीं तो आपको कब वो इंस्टेंट हिप्नोटाइज कर देगा आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन कॉन्शियस माइंड वीक है तभी असर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और कॉन्शियस माइंड को आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, तो ये कभी भी आपके असर नहीं करेगा। हम क्लियर है, सेकेंड चलते हैं दूसरा क्या है जो हिप्नोथेरेपी के अंदर है, पार्शियल हिप्नोसिस। पार्शियल हिप्नोसिस क्या होता है? पार्शियल हिप्नोसिस आपके कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाता है और तुरंत सबकॉन्शियस में करेक्शन किया जाता है। तो पार्शियल हिप्नोसिस ज्यादातर इसी सिद्धांत पे एनएलपी भी बेस है, मेरा एनएलपी का वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल। तो एनएलपी का बेस सिद्धांत भी वही है, पार्शियली एकदम कॉन्शियस माइंड को हटाया जाता है और तुरंत
शिफ्ट कर दिया जाता है सबकॉन्शियस के अंदर करेक्शन। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? बहुत जगह यूज होता है, बट मेन में आप देखेंगे बच्चों की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसमें यूज होता है, नेगेटिव थॉट्स हैं उसमें यूज हो सकता है। अब नेगेटिव थॉट्स जो है उसके लिए, बच्चों की प्रॉब्लम्स के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। आप जाते होंगे साइकोलॉजिस्ट पे, जिन लोगों को थेरेपी आती है वो डेफिनेटली करते होंगे। थर्ड, दिस इज कॉल्ड डीप हिप्नोसिस। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है और ये आपके माइंड की पूरी करेक्शन, जैसे कहते हैं मकान का एग्जांपल दिया था ना, पूरे मकान को साफ सफाई बिल्कुल कॉकरोच फ्री कर देता है। ये लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच का टाइम लग जाता है। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है? बहुत सारे बेनिफिट है, वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी में आती है ये, बट मैं 3 बड़े बेनिफिट आपको बताना चाहता हूं। पहला, हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ में क्या क्या कवर होता है? फोबिया, ऑल फोबियास, हॉलुसिनेशंस, भूत दिखता है, डर लगता है, अननोन, बिल्कुल कवर हो जाता है। डीप एंजाइटी है, डीप डिप्रेशन है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, करेक्ट। तो ये हेल्थ के ऊपर। अब हम आगे चलते हैं सेकंड। सेकंड क्या है? रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप बहुत बार ब्रेक हो चुके होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके डाइवोर्स हो चुके होते हैं। तो ऐसे लोग जब दोबारा मैरिज लाइफ शुरू करते हैं या नए रिलेशनशिप में जाते हैं, तो जो पुराने रिलेशनशिप हैं उनकी प्रॉब्लम उन्हें बार बार परेशान करती है। तो इसमें हिप्नोसिस इज द बेस्ट मेथड। एंड थर्ड, चाइल्ड की प्रॉब्लम, एडिक्शन है। बच्चा छोटा है वो बेड वेटिंग करता है, टीनेज के अंदर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हो गई है, बच्चे का ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो हिप्नोसिस इज अराउंड बहुत ही बढ़िया काम करेगी और सही ढंग से उसको क्योर करेगी। तो इसको बोलते हैं डीप हिप्नोसिस। तो अब आपको मैंने 3 चीजें बताई, हिप्नोसिस होता क्या है, उसका वहम मिथ दूर हो गया, ये हमारे को चाहिए क्यों, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड वो मैंने बता दिया, कितनी तरह का होता है ये बता दिया। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको इसका बेस सिद्धांत बिल्कुल प्रूव कर दूंगा, जिस एग्जांपल को देख के समझ के आप बिल्कुल सुनने के बाद श्योर हो जाएंगे कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको सब पता होता है हिप्नोटाइज जब आप होते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं है आपको नहीं पता होता। तो ये सिद्धांत मैं दे रहा हूं, हम सब ने रामायण में पढ़ा होगा कि सीता जी का हरण हुआ था, रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। तो मेरा छोटा सा सवाल है, आप लोग मंथन करिए अपने दिमाग का, कि सीता जी सती थी तो कौन उनकी इच्छा के बिना उनको छू सकता था? सती को तो कोई भी नहीं छू सकता उसकी इच्छा के बिना, पहला क्वेश्चन। दूसरा, रावण खुद भी शापित था, उसको शाप मिला हुआ था कि वो किसी भी स्त्री की इच्छा के बिना किसी को हाथ नहीं लगा सकता। अब रावण उनको हाथ नहीं लगा सकता तो वो ले कैसे गया, उनको हरण कैसे हो गया? तो इसका मंथन करिए, इसका हरण हो गया। रावण वाज वेरी एक्सपर्ट इन डीप हिप्नोसिस, इसे कहते हैं सुप्रीम हिप्नोसिस। और जब उसने सुप्रीम हिप्नोटाइज किया तो आप 3 चीजें समझिए, वो चिल्ला रही थी तो आपको पूरी होश आवाज में थी, जटायु को पुकार रही थी, बचाओ बचाओ, कोई भी आ जाता वो सबको पुकार रही थी। दूसरा, उन्होंने गहने नीचे डाले तो शी वाज इन फुल कॉन्शियस, उनको ये पता था कि कोई आएगा मेरे को, मेरे पति मेरी हेल्प करेगा, तो भगवान राम के लिए उन्होंने गहने डाले। तो शी वाज इन फुल कॉन्शियस, कोई बेहोश नहीं थी, कोई जादू टोना नहीं किया था, दैट वाज ए फोर्सफुल एडिक्शन। और जब ये फोर्सफुल एडिक्शन आपने खुद पाल लिए हैं तो भाई ठीक हो जाएंगे, आप किसी से जबरदस्ती लेने तो नहीं जाएंगे कि नहीं नहीं मेरे को हिप्नोटाइज कर दो, ऐसा कोई भी नहीं करवाने जाएगा, ना ही आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये सब प्रॉब्लम हो गई है तो बहुत बढ़िया मेथड है, ठीक हो जाएंगे। तो बहुत सारे मेथड हैं जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं, जिनमें से एक हिप्नोथेरेपी भी है, बहुत सारे स्टूडेंट सीखते हैं, इट्स अ गुड मेथड। हिप्नोथेरेपी
किसके अंदर काफी डीप काम करता है, किस किस चीजों में काम करता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और अभी भी आपने हमारा चैनल गलती से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे अच्छे वीडियो हम आपको पहुंचा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।